आप लोगों को पग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेरी पिछली वीडियो में मुझे कमेंट मिला था सबसे पहला सतीश कुमार का, जिन्होंने कहा था कि भाई प्राइस ऑफ अ पग के ऊपर भी वीडियो बनाओ। मेरा अगली वीडियो बनाने का प्लान कुछ और ही था, लेकिन उसके बाद मुझे कमेंट मिला यश गेमर्स का इसी टॉपिक के ऊपर कि भाई बनाओ इसके ऊपर वीडियो। हेलो एवरीवन, इस वीडियो के थ्रू आप जानोगे कि पग का प्राइस क्या है इंडिया में एज पर 2021, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इस ब्रीड को अपने घर में रखने में महीने में कितना खर्चा आ जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसका टाइटल है विच डॉग ब्रीड इज राइट फॉर मी, तो अगर आप कंफ्यूज है कि आपको कौन सी डॉग ब्रीड लेनी चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। इसके बाद लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं पग के कुछ बेसिक्स के बारे में। पग एक स्मॉल साइज डॉग ब्रीड है जिसकी एवरेज हाइट 30 से 36 सेंटीमीटर और वेट 6 से 8 केजीज के बीच में होता है। जैसे कि जर्मन शेफर्ड और बॉर्डर कॉली का ओरिजिनेशन हुआ ही हर्ड करने के लिए है। क्या आपको पता है पग का ओरिजिनेशन किस लिए हुआ है? ये हुआ है एक लैप डॉग बनने के लिए। लैप डॉग्स वो डॉग होते हैं जिन्हें ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज पसंद नहीं है, इन्हें सिर्फ आपके साथ रहना है आपकी गोद में। पग की इसी क्वालिटी की वजह से ये एक एक्सीलेंट अपार्टमेंट डॉग बनता है। और सिर्फ ये ही नहीं, पग एक बहुत ही शांत डॉग है, तो अगर आपके पड़ोसी थोड़े से हॉरिबल टाइप है तो ये डॉग ब्रीड आपके लिए लेना बिल्कुल सही है। पग एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिन्हें खेलना कूदना काफी ज्यादा पसंद है। इनमें ज्यादा एनर्जी तो नहीं होती, लेकिन जितनी होती है वो ये खेलने में स्पेंड करना पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ ये दूसरे जानवरों के साथ या दूसरे डॉग्स के साथ भी इंटरेक्शन करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अपनी पिछली वीडियो में मैंने बात की थी बीगल्स के बारे में। वहां पे मैंने आपको बताया था कि बीगल एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिसकी सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा तेज होती है। वेल, पग उसका एकदम अपोजिट है। जैसे कि आप जानते हैं कि पग का एक शॉर्ट मजल्ड फेस होता है, वो आगे से थोड़ा सा दबा हुआ, इसकी वजह से इनकी सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा तेज नहीं होती और ब्रीदिंग इशू इन्हें काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसी फेस की वजह से। एक पग की पर्सनैलिटी ना तो अच्छा गार्ड डॉग बनने की है, ना ही एक रिट्रीवर बनने की है किसी भी तरह से। पग्स आर ब्रेड टू बी कंपेनियन एंड दैट्स व्हाट दे डू बेस्ट। ये हर किसी के साथ आराम से घुल मिल जाते हैं, चाहे वो एक बहुत बड़ी फैमिली हो, बच्चे हो, सीनियर्स हो या दूसरे जानवर हो। ऑल्दो पग के पास एक छोटा कोट है, लेकिन बावजूद उसके ये मैसिवली शेड करते हैं। पग एक ऐसा डॉग है जिसे गर्मी और ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, तो मेक श्योर अगर आप एक पग लेने वाले हैं तो आपके घर में प्रॉपर कूलिंग सिस्टम हो, जैसे कि फैंस, एसी, और उसके साथ साथ अगर आपके पास बैकयार्ड भी है तो वहां पे प्रॉपर शेड होनी चाहिए, पूरी धूप नहीं होनी चाहिए। अपनी फेवरेट डॉग ब्रीड पग का प्राइस जानने से पहले 2 सेकंड निकाल के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके पास अभी एक डॉग नहीं है, लेकिन मेरे पास एक प्लेलिस्ट है जो आपको गाइड करेगी स्टेप बाय स्टेप एक डॉग लेने के लिए। एक पग का प्राइस डिपेंड करता है कि आप उसे कहाँ से और किससे ले रहे हैं। अगर आप इंडिया में किसी लोकल पेट शॉप से ले रहे हैं तो पग का प्राइस स्टार्ट होगा 8,000 रुपीज़ से और वो जा सकता है 12,000 रुपीज़ तक। लेकिन अगर आप एक ब्रीडर से ले रहे हैं तो पग का प्राइस स्टार्ट होगा 10,000 रुपीज़ से और वो जा सकता है 25,000 रुपीज़ तक, डिपेंडिंग अपॉन कि वो ब्रीडर कितना रेप्यूटेड है, किस तरह की क्वालिटी वो आपको दे रहा है और किस जगह पे वो सिचुएटेड है। अगर आपको जानना है कि इन जनरल आपको डॉग कहाँ से लेना चाहिए तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है। जब हम मंथली एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो मेन खर्चे में डिफरेंस जो निकल के आता है, चाहे आप एक जर्मन शेफर्ड लें या फिर एक पग लें, वो होता है खाने का खर्चा। पग एक स्मॉल साइज डॉग ब्रीड है जो ज़्यादा नहीं खाती नॉर्मली। अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड देते हैं तो आपको 1500 रुपीज़ का खर्चा आएगा पर मंथ, और अगर आप प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड देते हैं तो आपको 2500 का खर्चा आएगा पर मंथ, काफ़ी सस्ता है। वैक्सीनेशन की कॉस्ट पपीज़ के लिए थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, क्योंकि उन्हें फ्रीक्वेंट वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑन एवरेज अगर देखें तो आपको 800 से 1500 का पर मंथ खर्चा आएगा सिर्फ वैक्सीनेशन का। डिवॉर्मिंग करना कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव टास्क नहीं है, तो आप 100 रुपीज़ पर शेड्यूल खर्च सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि पग बहुत ज़्यादा शेड करते हैं, तो आप 500 से 1000 रुपीज़ ग्रूमिंग के लिए खर्च सकते हैं, जिसमें इंक्लूड होगा शैम्पूज, ब्रशेस, नेल क्लिपर्स या ऐसी ऐसी चीज़ें। इन टोटल अगर मंथली एक्सपेंसेस की बात करें एक पग को अपने घरों में रखने का, तो वो होगा 2000 रुपीज़ अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड देते हैं, और अगर प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड देते हैं तो वो होगा 4000 रुपीज़। लीश, कॉलर, बोल्स, टॉयज, क्लोथ्स, ये सब ऐसी चीज़ें जो आप हर महीने नहीं लेते, तो इसका प्राइस मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पग आगे जाके बच्चे पैदा ना करे या इन जनरल हीट पे ना आए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आप स्पे एंड न्यूटर की सर्जरी करवाते हो। इस सर्जरी की कॉस्ट स्टार्ट होती है 4000 रुपीज़ से और जा सकती है 12000 रुपीज़ तक, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस जगह पे रह रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको जानना है कि कौन सी डॉग ब्रीड आपके लिए सही है तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक कर दो।